नए सत्र से स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व निजी विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकें वितरण किए जाने को लेकर दुर्ग जिले में स्थायी डिपो बनवाने की मांग को लेकर निजी विद्यालय संचालक संघ ने शहर विधायक को ज्ञापन सौंपा। निजी विद्यालय संचालक संघ के बैनर तले दुर्ग जिले में स्थायी डिपो बनवाने एवं स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व निजी विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक वितरण किए जाने की मांग को लेकर शहर विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंच ज्ञापन सौंपा। और तलब है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से निजी विद्यालयों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पुस्तकें वितरण की जाती है। इसी कड़ी में नए सत्र 2020-22-23 में भी दुर्ग जिले में पूर्व वर्षों की तरह स्थायी डिपो बनाकर स्कूल प्रारंभ होने से पूर्व सभी निजी विद्यालय को हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें प्रदान किए जाने को लेकर मांग रखी। इस अवसर पर निजी विद्यालय संचालक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में डिपो को हटा दिया गया था और अस्थायी रूप से दुर्ग से वितरण कराया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी पूर्व वर्षों की भांति स्थायी डिपो बनवाकर बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए समय से पूर्व पुस्तकें वितरण की जा सके। और तरफ है कि दुर्ग संभाग होने से दुर्ग 5 जिलों के दुर्ग में स्थायी बुक डिपो बनाने एवं स्कूल प्रारंभ होने से पूर्व पुस्तकें प्राप्त होनी चाहिए ताकि छात्रों को समय से पुस्तकें प्राप्त हो और पढ़ाई प्रारंभ हो सके। साथ ही RTE की लंबित राशि को अतिशीघ्र प्रदान कराने संबंधित मांग की गई। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने कहा कि निजी विद्यालयों की समस्याओं का समाधान हेतु मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी एवं पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से चर्चा करके जल्द ही दुर्ग जिले में निजी विद्यालय को समस्त सुविधाएं उपलब्ध होगी, संघ को आश्वस्त किया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग जिला निजी विद्यालय संचालक संघ जिला दुर्ग की ओर से दुर्ग के सभी निजी विद्यालयों के लिए पुस्तकों के लिए हमने दुर्ग विधायक जी से मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा जो पाठ्य पुस्तक निगम से सभी स्कूलों को निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त होती है उसको हमने विधायक महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में 16 जून के पहले से वितरण कर दिए हैं और निजी विद्यालयों को बोला गया है कि आपको अगस्त में मिलेगी। यदि निजी विद्यालयों के बच्चों को अगस्त में मिलेगी तो पढ़ाई प्रभावित होगी, लेकिन हमने विधायक जी महोदय के माध्यम से निगम के पाठ्य पुस्तक जो चेयरमैन जी हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी उनसे हमने विशेष रूप से आग्रह किए हैं कि आप लोग 16 जून के पहले हमारे दुर्ग जिला में अस्थायी डिपो बना करके यहाँ से सभी स्कूलों को वितरण किया जाए। तो विधायक जी ने आश्वस्त किए हम सभी संचालक संघ को, सभी निजी विद्यालय के संचालकों को कि हम जरूर आपकी मांगों को राज्य में पहुंचाएंगे और पुस्तकें दुर्ग में स्कूल प्रारंभ होने के पहले वितरित कराएंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।